6 बज गए हैं, मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से एक स्लोगन सामने आया था, वो था बस करो महाराज। लेकिन बीजेपी की बीजेपी के लोग जाने, फिलहाल तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि बस करो महाराज। पूरा का पूरा ड्रामा जो सियासी फलक पे नजर आ रहा है, उसके पीछे कौन है, आज तक ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने सारा का सारा खेल, जैसा वो स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने उजागर किया, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस पूरे के पूरे हंगामे के पीछे जो एक नाम निकल के आया है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता को तवज्जो नहीं दी, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस के भीतर ही भीतर जो अलग अलग गुट हैं वो तो लड़ ही रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट सबसे ताकतवर बन के उभरा। आज जिस तरह की खबरें आईं कि सिंधिया समर्थक 17 विधायक, जिसमें से 6 मंत्री हैं और बाकी विधायक हैं, उनको एक मैसेज आता है, उसके बाद वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं, फिर निश्चित तय जगह पर पहुँच जाते हैं और एक नया सियासी गणित, सियासी खिचड़ी मध्य प्रदेश में पकती हुई नजर आती है। सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की थोड़ी सी गलती के कारण ये सब हुआ है, क्योंकि समय रहते अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पॉपुलर और कद्दावर नेता को तवज्जो दे दी जाती, तो आज कमलनाथ को एक एक विधायक को बुला के 1-to-1 नहीं करना पड़ता, दिल्ली में जाके सफाइयाँ नहीं देनी पड़ती और उनकी सरकार डावाडोल नहीं होती। उनकी सरकार लंगड़ी सरकार है, बैसाखियों पे चल रही है, लेकिन उसके बाद जो दुर्गति सरकार की हो रही है, जिस कारण पूरे प्रदेश में प्रशासन और कामकाज ठप पड़ गया है, उसकी वजह कहीं देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, क्योंकि उनके लोग लगातार आगाह करते रहे कमलनाथ सरकार को, कमलनाथ को, कांग्रेस को। ज्योतिरादित्य चाहते क्या थे? सबसे पहले ज्योतिरादित्य चाहते थे कि उन्होंने मेहनत की चुनाव से पहले, जगह जगह गए, अपने लोगों को जिताया, कांग्रेस के लोगों को जिताया, विधानसभा में भेजा, कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, लेकिन उस व्यक्ति को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये पहली चीज थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल में। चलिए 1.5 साल हो गया, इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता को कांग्रेस ने इस लायक भी नहीं समझा कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। ये मांग उनके विधायक, उनके मंत्री खुलकर करते रहे और वह आदमी घूम रहा है इधर से उधर। लोकसभा के चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश में पूरी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, एक व्यक्ति जीतता है, कमलनाथ का बेटा नकुलनाथ, वो छिंदवाड़ा से सांसद बनते हैं, दिग्विजय सिंह भोपाल से हार जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से हार जाते हैं, अपने ही राजनीतिक क्षेत्र से हार जाते हैं। इस सबके पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी थी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी समझ में आई। ऐसे में जब राज्यसभा की टिकटों की बंटवारे की बात आई, तो दिल्ली ने एक फार्मूला रखा कि इस बार दिल्ली के किसी 2 कद्दावर नेताओं को भेजा जाएगा, मध्य प्रदेश के नेताओं को जगह नहीं दी जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे भी दुखी हुए। फिर नया फार्मूला आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजेंगे, मीनाक्षी नटराजन को भेज देंगे राज्यसभा। ये 2 लोग युवा लोग हैं और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। वहाँ दिग्विजय सिंह जी का पत्ता कट रहा था, वो हॉर्स ट्रेडिंग का एक भूत उन्होंने खड़ा कर दिया और मध्य प्रदेश की कांग्रेस को इस तरीके से डावाडोल किया कि कमलनाथ इस समय तक स्थिर नहीं हो पाए हैं। वो लोगों को मनाने में ही लगे हुए हैं, सफाइयाँ ही दे रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं कि सरकार चलेगी, लेकिन अब सरकार चलेगी तो सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर चलेगी, सरकार चलेगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने से चलेगी। मैंने जितना अध्ययन किया है, कुल मिला के समझ में आया है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजा जाता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो चीज़ें ठीक ठाक हो सकती हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर सुपर CM दिग्विजय सिंह और CM कमलनाथ ने जिस तरीके से मंत्रिमंडल को बनाया, सीनियर और बड़े जो विधायक थे उनकी अनदेखी की, वो सबसे कहीं ना कहीं सिंधिया आहत होते रहे, वो विधायक भी आहत होते रहे। कौन बीजेपी से मिला, किसने किसका समर्थन किया, ये सब बेमानी है। कुल मिला के आपके यहाँ गड़बड़ है, आपके लोग आपसे खफा हैं, इसलिए वो दूसरे दलों के संपर्क में आ रहे होंगे। आपने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, आपने कहा बंधक बनाया बीजेपी ने, जितने लोग लौट के आए, इवन बिसाहूलाल सिंह जो सबसे बाद में आए, उन्होंने कहा मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया, मैं तो धार्मिक यात्रा पे गया हुआ था। शेरा जो कमलनाथ के खास आदमी है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया, मुझे मंत्री बनाओ, वो गृह मंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुझे निकट भविष्य में मंत्री बनाया जाएगा। तो अब दबाव की राजनीति हो रही है,
इस दबाव में अगर सबसे पावरफुल कोई आदमी है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। हम अगर पीछे जाके देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया 67-68 का वो दौर था कि जब उन्होंने सरकार पलट दी थी, विधायक विश्राम गृह से निकली थी और विधानसभा के लिए, और विधानसभा जाके उन्होंने सरकार गिरा दी थी, और उसके बाद गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे। ज्योतिरादित्य में भी वो क्षमता है, वो ताकत है, वो नंबर थे उनके पास कि वो जिस दिन चाहें इस सरकार को पलट सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेसी हैं, उन्होंने ऐसा किया नहीं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब पीछे जाके इतिहास देखते होंगे तो उनकी दादी, उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी बहुत बड़े जननेता, विकास पुरुष थे। उनके साथ कांग्रेस ने क्या सलूक किया था, सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ी, विकास कांग्रेस की स्थापना करना पड़ी, उसके बाद जिस तरीके से सिंधिया साहब को घेरा गया था वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिमाग में चलता होगा। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का टर्निंग पॉइंट है, वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, उन्हें कांग्रेस में रहना है तो किन शर्तों पर और कैसे, और कांग्रेस से बाहर जाना है तो क्यों, ये सब ज्योतिरादित्य सिंधिया तय करेंगे। फिलहाल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए समय है कि वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दें, कांग्रेस को मजबूत बनाने में अपना पूरा दमखम लगाएं, और एक एक की जो बात करते हैं, एकता की जो काट की हंडियाँ चढ़ाते हैं बार बार कि कांग्रेस एक है, कांग्रेस एक नहीं है। अगर कांग्रेस एक होती तो ये हालत नहीं होती, ये स्थितियाँ नहीं होती कि आपके विधायक कूद कूद के दूसरे दलों के पास जाते और आप आरोप लगाते कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अगर हॉर्स ट्रेडिंग कहीं हो भी रही तो कौन बिक रहा है, आप ही के लोग तो बिक रहे हैं, खरीदार कौन है ये दूसरा सवाल है, बिक तो आपके लोग रहे हैं, और क्यों बिक रहे हैं, आपकी नाफरमानियों के कारण। कमलनाथ जी सचेत हो जाइए, अब भी वक्त है, नहीं तो फिर यही कहते रहेंगे कि बस करो महाराज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।